बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे कि प्लीज़ फुल सिस्टम कराओ, प्लीज़ फुल सिस्टम कराओ। टेनार में जो हेडर्स आते हैं वो हेडर्स भी पहले से टाइटेनियम के होते हैं। इसके अलावा ये डिकेट करने के बाद इट इज़ एज गुड एज फुल सिस्टम। एंड फर्स्ट स्टार्ट रेडी टू रोर। रिएक्शंस चालू करते से रिएक्शन मिलते ही है भाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड जैसे कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हमारे पास है फिलहाल ये जिक्सर 1000। एंड अगर आपने अभी तो वो वाला व्लॉग नहीं देखा है तो आई कार्ड में आ रहा होगा लिंक, तो जाके जरूर वो वाला व्लॉग देखना। सो मैं मोहसिन भाई के पास से ये बाइक लेके आया था और अपनी ZX टेनार उधर छोड़ के आया था। उसके पीछे दो रीजन थे, एक तो इस पे अपने को व्लॉग बनाने का था एंड सेकेंड रीजन तो एक स्पेशल वाला रीजन है। तो उसके लिए पहले ये बता दूं कि मुझे बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे कि प्लीज़ फुल सिस्टम कराओ, प्लीज़ फुल सिस्टम कराओ। मैं भी सोच रहा था कि यार फुल सिस्टम करा लेते हैं, बट हो रहा क्या था कि फुल सिस्टम में मैंने ऑनलाइन चेक किया, मैंने इधर उधर भी चेक किया, सो मिल रहा था मुझे ओरिजिनल जो डिकेट पाइप होती है वो, बट सीन क्या था किधर डिलीवरी का टाइम ज़्यादा बता रहा था तो किधर ओरिजिनल प्राइस से भी ज़्यादा प्राइस बता रहा था। और दूसरा ये भी था कि मुझे एक दो जनों ने बताया कि हम भरोसा नहीं रख सकते कि इतना पैसा दे के भी हमें ओरिजिनल मिलेगा या नहीं, तो वो भी सीन था कि क्या पता भाई अपने को कॉपी आ जाए, तो वो भी एक रिस्क था एंड टाइम भी ज़्यादा लग रहा था उसको डिलीवर होने के लिए। सो मैंने सोचा कि कुछ यूनिक करते हैं, क्यों ना हम ही ट्राई करें कि एक कस्टम हम एक डीकेट पाइप बना ले। सो मैं मोहसिन भाई के पास गया, मैंने बोला कि ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, कुछ कर सकते क्या अपन इसका, तो बोले क्यों नहीं हम ट्राई करेंगे एक कस्टम पाइप बनाने का। तो मैंने बाइक छोड़ दी थी उनके पास, तो अभी मुझे उनका कॉल आया कि भाई अपनी पाइप बन चुकी है, सक्सेसफुल हुआ है। सो अभी जाके देखते हैं कि क्या रिजल्ट है, कैसा उसका आउटपुट आने वाला है। तो होप्स हो कि सब अच्छा होगा, कुछ ट्राई किया है हमने नया। एंड क्या था कि इतने कमेंट्स आ रहे थे तो मुझे आपका रिक्वायरमेंट फुलफ़िल तो करना ही था एंड वो भी जल्दी करना था, इसके लिए फिर मैंने डिसीजन लिया कि चलो कर ही देते हैं, कुछ ट्राई करते नया। एंड सक्सेसफुल हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे कुछ ना कुछ और दूसरा जुगाड़ ढूंढेंगे। सो फिलहाल के लिए तो मोहसिन भाई ने बोला है कि सक्सेसफुल है एंड आवाज़ भी बहुत ही अच्छा आ रहा है, जाके देखते हैं अभी। फाइनली हम मोहसिन भाई के शोरूम के पास आ गए हैं। ये रहा राइट में मोहसिन भाई का शोरूम। सो ये आ गए हम मोहसिन भाई के शोरूम पे। सो अब आपको दिखाते हैं अपनी बाइक एंड अपना एक्सपेरिमेंट जो हमने किया है। सो फाइनली मोहसिन भाई के शोरूम पे अपन आ गए हैं एंड जो मैं पाइप के बारे में बात कर रहा था वो पाइप आपको दिखा दो। सो कुछ ऐसी पाइप बनी है, कुछ ऐसी दिख रही है पाइप, और मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी फिनिशिंग दी है एंड अभी लगा के देखते हैं एंड इसका साउंड चेक करेंगे अपन क्या है क्या नहीं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जो मोहसिन भाई ने अपने को हेल्प करी है। सो अभी ये इसको लगा के देखते हैं कि कैसा आवाज़ है और क्या सीन होने वाला है इसका। तो जो अपना स्टॉक कन्वर्टर था जो उसको आवाज़ को दबा रहा था वो अपन ने पूरा निकाल दिया, अब ये हो गई है पूरी फ्री फ्लो, क्योंकि जो टेनार में जो हेडर्स आते हैं वो हेडर्स भी पहले से टाइटेनियम के होते हैं। इसके अलावा ये डिकेट करने के बाद इट इज़ एज गुड एज फुल सिस्टम। सो अभी फटाफट से इसको इंस्टॉल करते हैं एंड दिखाता हूँ आपको। सो अभी फाइनली अभी एग्जॉस्ट हम फिट करेंगे, सोहेल भाई है अपने साथ तो सोहेल भाई फिट करेंगे। सो एज यू कैन सी दिस इज हेडर्स और ये टाइटेनियम का है, इसकी पहचान ये देखो कि ये कलर चेंज कर रहे हैं। सो ये आ रहे ऑल द वे डाउन इधर तक एंड इसके आगे हम अपनी पाइप बिठाएंगे। सो फाइनली फिटिंग इज डन। सो कुछ ऐसा दिख रहा है एंड कुछ ऐसा लुक आ रहा है बाइक का। सो इट इज़ गोइंग विद द बाइक। सो अभी एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। सो मोहसिन भाई स्टार्ट करेंगे अभी एंड फर्स्ट स्टार्ट रेडी टू रोर।
सो फाइनली फिटिंग इज डन एंड वैसे आपने खड़ी खड़ी में आवाज़ सुन लिया, अभी इसका चेक कराता हूँ मैं आपको चलते हुए कैसे आवाज़ कर रही है। तो टेनार के स्मूथनेस का तो यार लाजवाब यार, बहुत ही स्मूथ है बाइक। क्या ही खतरनाक लाउड हो गई है बॉस, खतरनाक, बहुत ही खतरनाक भाई, बहुत खतरनाक। क्या आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कैमरे में पता नहीं, बट बहुत ही लाउड हो गई है भाई। भाई 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 खतरनाक, बाप रे बाप, बहुत ज्यादा लाउड हो गई है बॉस। चेक आउट द रिएक्शंस, ओ भाई खतरनाक, लाजवाब भाई लाजवाब, बहुत ही प्यारी लाउड हो गई है। ओहो बैक फायर्स भी क्या दे रही है बॉस। टेनार कैसी सांसें लेती है ना, ऐसी कौन सी भी बाइक में मुझे नोटिस नहीं किया मैंने ऐसा, बट टेनार जैसी सांस लेती है ना, ऐसा लगता है कि ये एक बीस्ट है जो एक्चुअल में सांसें ले रहा है। ये देखो ये देखो, टेनार की ब्रेकिंग भी जिक्सर से बहुत ही अच्छी है बॉस। ओ भाई क्या ही लाउड हो गई है बॉस, दिस इज टू लाउड ब्रो, बहुत ही ज्यादा लाउड है, इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई, ये बहुत ज्यादा लाउड है, बहुत ज्यादा लाउड है। आप मेरे रिएक्शन से समझ ही पा रहे होंगे कि कितना ज्यादा लाउड हो चुकी है। रिएक्शंस, भाई को साउंड सुननी थी। आ गया वो रिक्शा वाला और फिर बोलता है जाओ 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 जाओ, पहले तो खुद आते हैं बीच में एंड देन ऐसा एटीट्यूड दिखाते हैं जिसके हमारी गलती है। सो फाइनली पहुंच गए हैं हमारे कॉलोनी में, तो ये वाला वीडियो को इधर तक ही रखते हैं। कैसी लगी साउंड ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में,
एंड कैसा लगा एक्सपेरिमेंट वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, एंड मेरी मेहनत अच्छी लगी हो और आपकी रिक्वायरमेंट को मैंने फुलफिल किया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन राइड सेफ, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।